और तर्कश में सबसे पहले बात बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार की, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 24 घंटे हो चुके हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश की सड़कों पर उत्पात और भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। भारत के पड़ोस में हो रही इस घटना पर हम आपको अहम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हम आपको बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर हो रहे हमले की 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें जरा देखिए। पहली तस्वीर है ये इस्कॉन मंदिर की। हमलावरों ने इस मंदिर पर हमला कर दिया है और इसे तहस नहस कर दिया है और पूरे मंदिर में आग लगा दी। मंदिर को जलाए जाने से किसी ने रोका भी नहीं। कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं दिख रही है यहाँ पर। ये तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। বিচারজন হয় যারা এই অগ্নিকাণ্ড করেছে তাদের তুমি বিচার হোক সেটা আমরা প্রার্থনা করি। সমস্ত হিন্দু আপনার এখন না হলে আমাদের এভাবে সবগুলো মন্দির বাসা বাড়ি কোনোতে ঠিক থাকবে না। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिंदुओं की दुकानों की, जहां अराजक लोगों ने इन दुकानों में घुसकर लूट मचा दी है। जिसे जो मिलता है वो लेकर वहां से निकल जाते हैं। हिंदुओं में दहशत का माहौल है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो क्या करें। तीसरी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई है। दंगाई हिंदू बाहुल इलाके में घुसकर आगजनी कर रहे हैं। कई प्रतिष्ठित लोगों को और उनके घरों को फूंक दिया है। बता दें कि विश्वजीत मंडल नाम के एक हिंदू के मकान को बुरी तरह से जला दिया है। ये तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और चौथी तस्वीर है अलग अलग मंदिरों की। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। यहाँ पर आज भी बहुत से मंदिर हैं। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा चुका है, इन्हें भी तोड़ा जा चुका है। देखिए मंदिर में क्या हालत हो चुकी है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। पांचवी तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। हिंदुओं से मारपीट की गई है, बर्बरता की गई है। दंगाई हिंदुओं के इलाकों में जाकर उन्हें निशाना बना रहे हैं, इनसे बर्बरता कर रहे हैं। अल्पसंख्यक लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। इसके खाली घरों में लूटपाट की जा रही है। पकड़े जाने पर इन पर हमला किया जा रहा है। तख्ता पलट के बहाने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। छठवीं तस्वीर एक हिंदू महिला के दर्द से जुड़ी। जी मीडिया से बातचीत में इस महिला ने बताया कि उसके घर में अराजक तत्वों ने उत्पात मचाया, उनके घर के सामान को तोड़फोड़ दिया। इन लोगों का कहना है कि वो बांग्लादेश छोड़कर भारत क्यों जाएं? बांग्लादेश उनका भी देश है। सातवीं तस्वीर हिंदू बहुल इलाकों में उत्पात भी दिखा रहे हैं। उपद्रवियों ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं पर हमले के साथ ही अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई है। हिंदुओं की हत्या की भी खबर है। और अब आपको आठवीं तस्वीर भी दिखाएंगे। ढाका के इस्कॉन मंदिर की ओर से अपील आई है। यहाँ पर बहुत से हिंदू छिपे हैं ताकि इन्हें निशाना ना बनाया जा सके। इस्कॉन ने भारत से मदद की मांग की है। भगवान की अवस्था को लेते हैं तो आगुने मुद्दे भगवान तार नीचे के नीचे सुरक्षा देते हैं। किचु तो आगुने पूरे के सिंह दिखते हैं। तर्शा का बारा मतलब से सुजुक पूरे के सामान देते हैं।
সমস্ত দেশবাসীর কাছে প্রার্থনা করি এই অগ্নিকাণ্ডের বিচার যেন হয়। और नौवीं तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जहां अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भय के मारे भारत की सीमा की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन बॉर्डर की वजह से वो इस पार नहीं आ पा रहे। बांग्लादेश की पुलिस भी इस्लामिक कट्टरपंथियों का साथ दे रही है। कैदियों को ढूंढ ढूंढ कर यहां पर उनसे बर्बरता की जा रही। दसवीं तस्वीर कैदियों के जेल से भागने की है। जानकारी के मुताबिक खूंखार आतंकी जेल से भागकर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। उत्तरी बांग्लादेश के शेरपुर जिले में लाठी डंडे से लैस भीड़ ने जिला जेल में घुसकर 500 से ज्यादा कैदियों को छुड़ा लिया है, जिसमें कई खूंखार आतंकवादी भी शामिल है। प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB के कई आतंकी भाग गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा करेंगे। बांग्लादेश में एक और मंदिर पर हमला कर दिया गया है। हिंदुओं के मंदिर में आग लगा दी गई है। आपको बता दें इस कौन मंदिर में भयंकर तरीके से आग लगाई गई है। जहां भी अल्पसंख्यक हिंदू दिख रहे हैं उन पर हमला किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में इस कौन मंदिर पर जो हमला किया गया। हिंदुओं के मंदिर में आग लगा दी गई है, बुरी तरह से तोड़फोड़ मचाई गई है। ये तस्वीरें देखिए जरा। और वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अराजकता की तस्वीर तो सबने देखी है, लेकिन इसकी आड़ में वहां हिंदुओं को निशाना बनाने जाने लगा है। देखिए कैसे हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के मकान में घुसकर भीड़ हिंसा पर उतारू है। देखिए कैसे बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में मंदिरों को बनाया निशाना, हिंदू घरों में लूटपाट, नाम पूछकर हिंदुओं पर अटैक। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ये तस्वीरें आम हैं। उन्मादी भीड़ हिंदुओं के खून की प्यासी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद निशाने पर वहां रहने वाले हिंदू हैं। हिंदू बहुल शहरों में हमले हो रहे हैं, हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया जा रहा है। चीख पुकार मची है, इस कौन मंदिर को फूंक दिया गया। हालात ये हैं कि हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये हिंदू खौफ में जी रहे हैं। बहुत सारे जगहों से हमें खबर मिल रही है कि जो हिंदुओं के घर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्मादी भीड़ उनके दरवाजों को तोड़कर घर में घुसने का प्रयास कर रही हैं। महिलाएं बच्चे चित्कार कर रहे हैं। मैं यही अपील करना चाहूंगा हमारी सरकार से कि इसको रोकने के लिए वो कदम उठाए, उनकी जो हिंदुओं की जो आवाज है उसको उठाए और कुछ निर्णायक कदम ले ताकि हमारे हिंदू जो भाई बहन है बांग्लादेश में वो बच सके। बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदू इस बात से सहमे हैं कि अब उनका क्या होगा। उन्मादी भीड़ जिस तरह से घरों में घुस रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि भीड़ में आंदोलनकारियों की जगह दंगाई घुसाए हैं। सवाल ये है, सरकार से गुस्सा, हिंदुओं पर हमला क्यों? तख्ता पलट के बाद मंदिरों पर हमला क्यों? जब प्रधानमंत्री ने देश छोड़ दिया तो निशाने पर हिंदू क्यों? क्या बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में लौटने वाला है? जानकार कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के पीछे यहां की राजनीति है। दरअसल शेख हसीना की विरोधी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पाकिस्तानी समर्थक है। BNP यहां जमात इस्लामिया को समर्थन करती है। हिंदुओं पर हमले का जमात का पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नरक बन जाएगा? क्या बांग्लादेश नया पाकिस्तान बन जाएगा? क्या बांग्लादेश के हालात अफगानिस्तान जैसे हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ढाका में आवामी लीग का दफ्तर फूंका गया। दंगाइयों ने दफ्तर में लूटपाट मचा दी। आवामी लीग के नेता को जिंदा जला दिया। कट्टरपंथियों ने
नेता को जिंदा जलाए हैं। ये भयंकर तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में हालात बेहद बदतर हो चुके हैं। दंगाइयों ने दफ्तर में लूटपाट तो की है, साथ ही आवामी लीग के नेता को भी जिंदा जला दिया है। फिलहाल बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है आप खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि कट्टरपंथियों ने देश के हाल बेहाल कर दिए हैं। जहां देखो तो आगजनी की हुई है और अल्पसंख्यक हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर उन पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है, इसकी 5 तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। हिंदुओं के घरों को बुरी तरह से जलाया जा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानें लूटी जा रही हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदू आबादी किस खौफ में जी रही है। बांग्लादेश में जगह जगह पर हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट से पता ये चलता है कि हिंदू घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इस्कॉन और काली मंदिर पर हमले हुए हैं, इसके बाद हिंदुओं को जान बचाने के लिए छिपना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसा मंजर वहां पर है। जो अल्पसंख्यक हिंदू वहां रह रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, किस डर के माहौल में वो होंगे। और बांग्लादेश में जेल तोड़कर भागे कैदी 500 से ज्यादा कैदी और आतंकी जेल से फरार हो गए हैं। जेल से फरार आतंकी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। बता दें कि जेल तोड़कर भागे खतरनाक आतंकी, जहां चटगांव में 6 पुलिस थानों को जला दिया है, 500 से ज्यादा कैदियों ने थाना लूट लिया है। आवामी लीग के नेताओं पर भी हमला किया है, हिंदुओं पर हमले कर रहे ये फरार आतंकी। तो 500 से ज्यादा ये कैदी और आतंकी जेल से फरार हो गए हैं। और लगातार अगर बात करें तो 7 दशक में 14% हिंदू बांग्लादेश में कम हुए हैं, और हर साल लाखों हिंदू देश छोड़ रहे हैं और अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। अराजकता के बीच अब जेल से फरार आतंकी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कैदियों ने थाने में लूट किए हैं, हथियार और गोलियां लेकर भी भागे हैं, और अब उपद्रवियों के साथ शामिल होकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। बांग्लादेश में हंगामे और अराजकता के बीच एक तस्वीर वो भी थी जो कि चिंता बढ़ाने वाली है। बांग्लादेश की सड़कों पर कल जब लाखों की भीड़ सड़कों पर निकली, लूटपाट हुई, तो निशाने पर वहां की जेल भी आई, वो जेल जिसमें आतंकी भी बंद थे। ये जेल थी बांग्लादेश की शेरपुर जेल, जहां बदमाश डंडे लेकर जेल में घुस गए और 518 कैदी फरार हो गए। शेरपुर डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कल शाम 4:30 से 5:30 के बीच यह हमला किया गया। जेल के एक हिस्से में आग लगा दी गई और फिर कैदियों को फरार करवाया गया। इसका वीडियो भी सामने आया, देखिए किस तरह अपराधियों से भरी रहने वाली ये जेल अब खाली पड़ी है। बाइक में आग लगी है, जेल का एक हिस्सा जल रहा है, हाथ में लाठी डंडे लिए लोग जेल के बाहर बाद में भी मौजूद थे। जेल के दरवाजे खुले पड़े हैं। इस लूट में बदमाश जेल में मौजूद कई हथियार भी लूट कर ले गए और साथ ही कई सामान भी ले जाते दिखे। जेल से भागने के बाद इन अपराधियों ने लूटपाट भी शुरू कर दी। चटगांव में कम से कम 6 पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, थानों में लूटपाट भी की गई। इतना ही नहीं, अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के घरों को भी निशाना बनाया गया। जेल से फरार कैदियों में 20 खूंखार आतंकी भी शामिल थे, इसमें जमात उल मुजाहिदीन का आतंकी भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।